Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Mock Zone MBA preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are preparing for SRCC GPO 2024 exam, because in this video, I'm going to discuss actual DI set asked in SRCC GPO 2023 exam. So guys, ये video पूरा देखना starting से अंत तक, because DI mainly होता है कि आप कैसे set को approach कर रहे हो, वो matter करता है. तो starting में हम तीन sets का video बना चुके हैं, ये fourth set है, ठीक है. Video को like and subscribe करोगे तो आपके अच्छा रहेगा, because हम लोग के channel में लगातार content based plus notification based video बनते रहते हैं. चलो guys, start करते हैं. गाइज, ये टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप के लिंक्स हैं. आप अपकमिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होगा तो आपको कमेंट सेक्शन में सारे ग्रुप के लिंक्स मिल जाएंगे, ठीक है. चलो गाइज, वहां से आप ज्वाइन कर लेंगे. गाइज, पहला क्वेश्चन क्या है? तो बेसिकली सेट हमारा कैसा है? द गिवन टेबल शोज द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स ए बी एंड सी एंड देयर एक्सपोर्ट एज ए परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन ओवर 5 ईयर्स फ्रॉम 2015 टू 2019. तो गाइज, आपको दिया गया है 5 साल का आपको डेटा दिया गया है. यहाँ पे तीन प्रोडक्शन टाइप्स हैं ए बी एंड सी, इनके प्रोडक्शन का यूनिट्स दिया गया है इन मिलियन टन्स, और ये आपको दिया गया एक्सपोर्ट एज ए परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन. तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ एक, जैसे अगर ए 2015 में 320 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है तो उसका एक्सपोर्ट कितना होगा? 35% ऑफ 320, ऐसा. तो गाइस, यहाँ पे एक फॉर्मूला और दिया गया, प्रोडक्शन जो होता है वो उसका कहाँ कहाँ यूज होता है? डोमेस्टिक कंजम्पशन प्लस एक्सपोर्ट. तो मतलब अगर आपको कोई चीज आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो आप क्या करोगे, या तो डोमेस्टिकली सेंड करोगे उसको या उसको एक्सपोर्ट कर दोगे. तो इन शॉर्ट, कभी भी आपको अगर डोमेस्टिक कंजम्पशन निकालने को बोले तो प्रोडक्शन में से एक्सपोर्ट माइनस कर दें, ठीक है. तो ये फॉर्मूले के नाम पे बिल्कुल बेसिक है. दिस क्वेश्चन इज ऑल, दिस सेट इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन. कैलकुलेशन अगर आप बिल्कुल उससे करोगे जैसा आपका मेथड होता है तो आपको टाइम लगेगा, शॉर्टकट यूज करना पड़ेगा इसका परसेंटेज, ठीक है. क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल एक्सपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन ए इन 2015 16 एंड 19 टू द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन बी इन 2016 टू 19. तो गाइस, टोटल एक्सपोर्ट जो निकालना है मुझे फूड ग्रेन ए का, कौन कौन सी ईयर के लिए निकालना है? 2015, 16 और 19 का निकालना है, ठीक है. और बी के लिए क्या निकालना है? 16 से 19 का पूरा निकालने का रेशियो चाहिए. तो गाइस, देखो ऐसे क्वेश्चन है, पेशेंस सही होता है. अगली बात, जल्दीबाजी बहुत जल्दी करोगे ना आप, दिक्कत हो जाएगी. एक बात आपको समझनी है कि डीआई में कोई भी एग्जाम, आपको जैसे मेनली एसआरसीटी की बात करूँ, सारे के सारे 10 डीआई नहीं कर पाओगे, ठीक है. तो आप डीआई में 4-5 इजी डीआई पिक करो, उसको अच्छे से टाइम देके करो, ठीक है. बट जितना शॉर्टकट में कर सकते हो करो. और दूसरी बात, डेटा बहुत ध्यान से रीड करना, गलती गलती हो सकती है. अब गाइस देखो, हमको निकालना है 2015 एंड 19 का, 15 16 एंड 19 का एक्सपोर्ट. तो कैसे निकालेंगे? 35% ऑफ 320 कैसे करोगे? तो गाइस ऐसे करो, 10% क्या होगा 320? 32. 30% क्या होगा? इंटू 3 कर दो. अब गाइस 5% बचा, वो कैसे आएगा? 10% 32 तो 5% कितना होगा? 16. ये आपका आ गया, ये कितना आ गया? 112. ए का आ गया 2015 का एक्सपोर्ट. अब 30% ऑफ 350 कितना हो जाएगा? 10% 35 है, इंटू 3 कर दो, 105 आ गया, ठीक है. फिर 2019 का 34% ऑफ 450 कैसे निकालेंगे? 10% 45 है, इंटू 3 करो, ये आएगा 135, ठीक है. अब गाइस इसमें 4% को और चाहिए, 1% मेरा होता है 4.5, 1% अगर 4.5 है, 4% कितना होगा? ये होगा आपका 18. बस ये आपका टोटल आ गया. 112 प्लस 105 कितना आएगा? 217 प्लस 153, ये आपका ऐड हो गया, कितना आ गया? 370. ये मेरा पहला पार्ट आया इसका. अब हमको क्या करना है? 2016 से 19 तक का एक्सपोर्ट निकालना है बी का. तो कैसा बी में आओ, खाली ध्यान देना बहुत ध्यान से, ये बी है आपका और बी का ये परसेंटेज ये है. 2016 में 200 का 42% दैट इज 84, 34% ऑफ 350 तो क्या हो जाएगा? 10% आपका होता है 35, इंटू 3 करेंगे तो 105 आएगा. अब 4% कैसे निकालेंगे? 3.5 इंटू 4 14, ये आपका आ गया, ठीक है. अब 18 के लिए क्या हो जाएगा? 30% ऑफ 320, 30% ऑफ 320 96 आएगा. एंड लास्ट में 27% ऑफ 300, राइट. 20% 300 क्या आएगा? 81. तो गाइस ऐड करो, 165 प्लस 119 प्लस 96, ये करना है आपको. तो ये क्या आएगा? इसको अगर ऐड करेंगे आएगा 261. 261 प्लस 119 क्या आएगा? ये आपका आ गया 270. 270 प्लस 110 380. तो ये मेरा 380 आया. तो पहले मेरा 370 आया था और दूसरा 380 आया, काट दो, 37/38 आंसर.
गैस ये टोटली परसेंटेज वाला खेल है, यहाँ कुछ होना ही नहीं इसके अलावा। और गैस डीआई की बात ऐसी ही होती है, डीआई में कोई दिमाग नहीं लगता है, इट इज ऑल अबाउट शॉर्टकट्स एंड कितना एक्यूरेटली आप कर सकते हो कितने कम टाइम। अगर आप मैनुअली करते बैठे तो बहुत टाइम लगता, ठीक है, तो आपको ऐसे करना है। द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन बी इन 2015, 16, 17, 18, बी का 16, 17 और 18 का इनका एवरेज निकालना है। तो टोटल निकालो पहले, क्या आएगा? 550, 850, 870। 870 बाई 3 एवरेज कितना आ गया? एवरेज आ गया 290, ठीक है, ये मुझे आ गया। इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ डोमेस्टिक कंजम्पशन निकालना है मुझे, और फूड ग्रेन सी इन 2015 एंड 19। सी देखो और 2015 देखो और 2019 देखो। तो गाइज यहाँ पे बात समझो कि सी आपको निकालना है, ठीक है। 30% हमारा एक्सपोर्ट है, 70% कंजम्पशन होगा ऐसे बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो 70% और 35 निकाल दो, 350 निकाल दो, तो 10% आपका 35, तो 77 × 7 कर दो, ये कितना आ जाएगा? 245 आ गया। 245 प्लस 2019 के केस में क्या हो जाएगा? 40% ऑफ 325, तो 10% आपका 32.5 है, इंटू 4 कर दो, ये आपका 32 × 4 करो कितना आएगा? 4 × 8, ये आपका आ गया 4 × 8 एंड 128, 128 प्लस 2.30 आ गया, ठीक है। तो ये तो मेरा 130 एक्सपोर्ट आया ना, हमको उसका उल्टा चाहिए, 60% निकालना पड़ेगा हमको, चाहिए कंजम्पशन 60%। 60% कैसे आएगा? 6 × 5 = 30 होता है, 3 यहाँ कैरी ऐड होगी, 32 × 6 कितना होगा? 6 × 12, 6 × 3 = 192 प्लस 3 = 195 आएगा, ठीक है, ये ऐसे आ गया। तो गैस इसको अगर ऐड करो क्या आएगा? 250 + 190, 250 + 200 होता है 450, 440 आ गया, ठीक है। तो 290 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 440, ये निकालना है। इसको अगर आप ध्यान से सॉल्व करोगे तो आपका 65.9 आएगा, दैट इज 66%, ठीक है। तो क्या देखो, डीआई में कम करो बट जो करो एक्यूरेट करो, उसमें उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जिस तरह अगर लास्ट ईयर आया था, ठीक है, तो उस समय मैं आपको कौन सी भी टफ था, तो डीआई के आप 4-5 सेट भी कर लोगे, 4 सेट तो भी काफी है। वैसे अगर शॉर्टकट पर चाहिए हो, द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन ए इन 2017-18, टोटल एक्सपोर्ट फूड ग्रेन ए का 2017-18 में ये 40-45, 40% ऑफ 300 इज 120 एंड 45% ऑफ 400 इज कितना आएगा? 180, 300 हो गया। इज व्हाट परसेंटेज लेस देन द टोटल डोमेस्टिक कंजम्पशन ऑफ बी, डोमेस्टिक कंजम्पशन 2017-2019 में, 2017 का 350 है और परसेंटेज बी का 34 है। तो गाइस 350 का 34% निकालो, फिर माइनस कर देने बाद, ठीक है, ज्यादा इजी रहेगा। 34% निकालना है, ठीक है। 10% आपका होता है 35 × 3 प्लस यह आपका आएगा 14, 119। तो बेसिकली आपको माइनस करना पड़ेगा ना 350 में से 119, क्योंकि कंजम्पशन बोल रहा है वो, ठीक है, तो माइनस कर दो, तो कितना आएगा? ये आपका आएगा, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 4 − 1 = 3 हो गया, 231 आएगा प्लस। अब इसका कितना हो जाएगा? इसको आप ऐसे कर सकते हो, 73% ऑफ 300, 73% ऑफ 300, 73 × 3 219, ये कितना आया? ये आपका आ गया 250, 450 आ गया। तो 300 इज हाउ मच परसेंट लेस देन 450, क्या करेंगे? 150 / 450 × 100, काट दो, 33.33% आंसर आ गया, बस, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखो, इन 2020, ये क्वेश्चन वैसे एक्चुअल एग्जाम में अगर आपने ये सेट सॉल्व करना है, मान लो आपने एक्चुअल एग्जाम में ये सेट सॉल्व करने का सोचा, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यही 3 क्वेश्चन करना है, फोर्थ क्वेश्चन छोड़ देना। थर्ड सेट के चारों क्वेश्चन करना जरूरी नहीं होता है, ये स्मार्ट स्ट्रेटेजी होती है। आप 5 सेट उठाओ, 5 में से 2-2 क्वेश्चन सबके कर लो, 10 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ठीक है। एक ही सेट के पीछे मत पड़े हो, क्योंकि हर सेट में एक क्वेश्चन लेंदी होता है, सो आपको स्किप करके भागना है। ये देखो, ये मेरे लिए तो क्या हो गया, ठीक है।
In 2020, the production of food grain A increased over 2019 by the same percentage as 2019 over 2018. ठीक है, गाइस मतलब ये बोल रहा है कि 2019 2020 में इतना ग्रोथ हुआ जितना ग्रोथ 2018 2019 में हुआ है, और एक ही बात हो रही है। तो 2018 से 2019 में कितना ग्रोथ हुआ? 450 हो गया। कितना ग्रोथ हुआ? 50 अपॉन 400 इंटू 100, 1/8, 12.5% का ग्रोथ है। तो यही ग्रोथ आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है? ये आपका हो जाएगा 450 इंटू 9/8, मतलब 2020 का ये है, 2020 का ये है, 2020 की वैल्यू ये आई। जो ग्रोथ मेरा 2019 में मेरा 2018 के कंपेरिजन वो था 12.5%, और वही ग्रोथ मेरा अगर है 2020 से 2019 में, ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, 2020 की वैल्यू क्या होगी? 2020 की वैल्यू होगी 450 इंटू 9/8, 12.5 से बढ़ा दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं, एंड द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन सी इन 2020 इंक्रीज बाय 35% ओवर 2019। प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन सी इन 2020 इंक्रीज बाय 35%, तो करो उसको, तो आपको सीधे क्या करना है, 320 इंटू 1.35 करना। तो आप ऐसे बोल सकते हो 135/100, 5 से काटो, 5 2 जा 27 हो गया, 5 4 जा, ठीक है, 5 4 जा हो गया, और 5 6 30 65, ठीक है, ऐसा। तो 65 इंटू 27/4 यह बढ़ सकते हो, ठीक है, यह आपका हो गया। इफ एक्सपोर्ट्स ऑफ बोथ द फूड ग्रेन्स वाज 40% ऑफ देयर रिस्पेक्टिव फूड प्रोडक्शन इन 2020, ठीक है। तो गाइस ये आपका एक्सपोर्ट आ गया, एक्सपोर्ट ऑफ, ये आपका प्रोडक्शन आ गया ए का, ये आ गया दूसरे वाले का, ठीक है, ये आ गया सी का। अब वो बोल रहा है कि इनका ये टोटल प्रोडक्शन आपका है, अब टोटल प्रोडक्शन में से एक्सपोर्ट 40% है, देन व्हाट वाज द टोटल डोमेस्टिक कंजम्पशन ऑफ दीज टू फूड ग्रेन्स इन दैट ईयर। तो करना क्या है, 40% एक्सपोर्ट है, 60% निकालना है। तो 60% ऑफ मतलब 6/10 इंटू 450 इंटू 9/8 प्लस 65 इंटू 27/4, आपको ये काम करना है, बस इतना करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये चीज है। तो गाइस आप देखो क्या कर सकते हैं हम लोग उसके लिए, सॉल्व करना है आपको उसको, 6/10 इंटू दिस, तो ये 8 है, इसको भी 8 बनाओ, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा, 6/10 बाहर रहने दो, 450 इंटू 9/8 प्लस 130 इंटू 27/8। अब गाइस यहाँ से हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ से हम लोग 27 पूरा कॉमन ले सकते हैं, 27 कॉमन लो जाए, क्या हो जाएगा, पेशेंस ये गाइस डीआई करने के लिए, पेशेंस इन को नहीं निकलेगा डीआई, यहाँ से 27 कॉमन लिया तो क्या, 9 ये 3 यहाँ से निकलेगा, ये 150 हो जाएगा, 150/8 प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, 130/8, यह आ गया 280/8, 280/8 आ गया, क्या हो गया, ऐसे हो गया 6/10 इंटू 27 इंटू 280/8, 0 0 कट गया, 4 2 जा, 4 7 जा, 2 3 जा, 21 इंटू 27, आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 567 का आंसर। तो गाइस जब तक खुद हाथ नहीं चलाओगे ना एग्जाम अभी आप, तो आपको दिक्कत आएगी। तो मैं आपको यही बोलूंगा, जो डीआई ढूंढते रहते हैं, डीआई क्या पास पेपर ही कर लो ना सॉल्व, इवन आप 2023 का पूरा डीआई खुद सॉल्व कर लो अपने हाथों से, ठीक है, तो भी आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, बाकी मॉक्स दे ही रहे हो आप, ठीक है। और गाइस ये मैं सोच रहा कि जिन लोग की क्वांट्स वीक है सिर्फ डीआई करके निकल जाएगा, डीआई का कोई भरोसा नहीं, एग्जाम में और टफ भी आ सकता, क्वांट्स की वैरायटी तो करनी ही है आप। अपार्ट फ्रॉम दैट ये चारों क्वेश्चन हो गए। गाइस जो लोग अभी भी एसआरसीसी की प्रिपरेशन ढंग से करना चाहते हैं उनके लिए बिल्कुल प्रॉमिसिंग कोर्स है एसआरसीसी क्रैश कोर्स। इसका प्राइसिंग ऐसा रखा गया है कि एनीवन कैन अफोर्ड, 799 का कोर्स है, मॉक्स प्रैक्टिस शीट एडिशनल वीडियो सॉल्यूशंस हैं आपके, 28 वीडियो सॉल्यूशन अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। ये बेसिकली इसलिए दिया जा रहा है कि आपके पास एक स्ट्रक्चर्ड कंटेंट, ठीक है, वो चीज़ें। लाइव क्लासेस 5:50 बजे स्टार्ट होंगी, पीवाईक्यूज पीडीएफ फॉर्म में, 50 एडिशनल वीडियोज मिलेंगे आपको जो आपको पहले देखने, ठीक है। तो खाली मॉक लोगे 450 के पड़ेंगे, क्रैश कोर्स आपको उतने का पड़ेगा, ठीक है। लेना कैसे, mockzone.in/src में जाना, यहाँ से आपको मिल जाएगा। बाकी गाइस फॉलो करना चैनल को, अभी और वीडियोस आएंगे इस तरीके, ठीक है। अगर आप सीडी वगैरह प्रिपरेशन करो तो सीडी का कोर्स हम लोग का
डिस्काउंटेड हो गया काफी, मॉक सीटी के 18 है, बाकी हम लोगों का रिजल्ट्स नहीं लास्ट ईयर गाइस। हम लोग के बाकी एग्जाम्स के मॉक्स प्लान ये हैं, सीमेट, सीईटी, सीबीटी, एसआरसीसी, पिक एनी थ्री, कोई भी 3 एग्जाम कंप्लीट कोर्स लो आप, ये कंप्लीट कोर्सेस की प्राइसिंग है ठीक है। बाकी हम लोग के मॉक्स की कॉम्बो पैक्स हम ये देख सकते हैं अगर आपको मॉक्स चेंज ना करें गाइस। ये रिजल्ट्स एंड रिव्यूज यू कैन चेक। गाइस ये नंबर यहाँ मुझे व्हाट्सएप कर देना कोई डाउट हो तो ठीक है। बाकी mockzone.in/SRCC में जाओगे आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।